He was beaten up very badly. पर शुक्र है उन्होंने अपना सर बचा लिया, वरना आज ये जिंदा नहीं रहते। What's the problem, doctor? Well, उनकी फिजिकल रिकवरी तो काफी अच्छी है, पर उनका दिमाग जागना नहीं चाहता है। क्या परेशानी है? नाम है अपने और नाम के। तुम्हारा नाम वीर सिंह है। Then he was completely unpredictable and aggressive. हमें sedatives देने पड़ते थे, और फिर एक सुबह उन्हें सब याद आ गया। नाम याद आ गया मुझे। Can I sing? Sure. जुर्म दिमाग करता है, इंसान पर तो सिर्फ इल्जाम लगते हैं। ऐसे में क्या होगा जब कटघरे में खड़ा मुलजिम गुनहगार भी हो और बेगुनाह भी। इसलिए इस केस के हर पहलू पर बारीकी से नजर रखें, क्योंकि आखिरी फैसला आप ही का होगा। आखिर ऐसा केस बरसों में एक ही बार तो बनता है। और हां, ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ग्रिप ये सिंपल ग्रिप, तेरी बॉल पिच होनी चाहिए सीम पे, वो नहीं होती है। बाउंस स्लो। रोहित डैडी आ गए तुम्हारे, समझ गया? मिले एक बाउंस एक स्लो, वेरिएशन ट्राई कर। ओके सी यू टुमारो। बाय। रियली नाइस। ओए यार क्या हाल है? कैसे यार, अपनी ताश वाली मंडली बड़ी दुखी है तुझसे। अरे ईमानदार बकरा कब से आया नहीं, चीटिंग किसके साथ करेंगे? अरे यार सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बच्चा हत्याकांड उसका इंचार्ज बना दिया है। कांग्रेचुलेशन, तरक्की 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 काय की तरक्की। 5 सालों से सब मुंह की खा रहे हैं, अब अपनी बारी है। सही करेगा। चल यार मैं निकलता हूँ, हारने के लिए जल्दी आता हूँ। यार ना वो काली गाड़ी यहाँ पार्क होती और ना हमें सांपों को छोड़ने उतनी दूर जाना पड़ता है। थक गए यार। हाँ यार, वैसे भी इस जंगल में कोई गाड़ी लेके क्यों आएगा? वैसे सांपों को बचाना बड़ा एडवेंचरस काम है। नहीं तू नाचना बंद कर दे वरना तुझे भी जंगल में छोड़ के आ जाऊंगा। अरे यार ये क्या चल रहा है? ये जरूर उस काली गाड़ी वाले चूते की करतूत होगी। चल बुझा के आते, चल बेस लगाते हैं, आ जा। अबे नहीं यार, भाई यार क्या भागना मोटे। ओ शिट, अबे अंशुद, अबे अबे मिट्टी डाल यार, वरी शिट। चल चल
30। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? सर हम लोग MBA स्टूडेंट हैं सर और एनिमल एक्टिविस्ट। यहाँ सांपों को छोड़ने आए थे, तभी सर यहाँ एक काली SUV थी तो सर हम आगे चले गए। और सर जब हम वापस लौटे तो ये सब हो गया सर। गाड़ी का नंबर नोट किया? नहीं सर। सर शायद लास्ट नंबर्स 861 या 168 थे सर। रामशरण गेट लगा दो। सर सामान निकल पीछे। नमस्कार। कैसे शुक्रिया करूं मैं आपका? इन बच्चों के लिए भगवान से कम नहीं आप। सुन लेगा तो नाराज हो जाएगा। आप क्या हुआ? अरे वो क्रिकेट बॉल लग गई थी तो इसलिए। अच्छा, वैसे ऑर्फनेज कमेटी ने इस बार आपको चीफ गेस्ट बनाने का सोचा। कहिए जनाब। सर जी यही है वो फार्म हाउस। और सर जी वो गाड़ी जो है ना वो हमेशा वहाँ पे पार्क करता था, वो हमेशा वहाँ पे, मैंने खुद देखा जी। आप इनके साथ रुकिए, बाकी सब फार्म हाउस चेक करो। राम शरण चलो। वीर सिंह, श्याम और श्यामला यादव के खून के इल्जाम में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। क्या बोल रहा है? क्या हो गया? क्या हो गया दोस्त? सच मजाक कर रहा है ना? क्या अरेस्ट है? बच्चों पर हाथ नहीं, बिल्कुल नहीं। सब लोग शांत हो जाओ। आप लोग पुलिस को अपना काम करने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ सब लोग प्रैक्टिस करो। चलिए चलिए, मैं जल्दी वापस आऊंगा। जाओ प्रैक्टिस करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा।
गिरजा कहाँ? ये सब क्या है वीर? क्या कर दिया तुमने? क्या किया तू ही बता। मैं बताऊं? दंग बनने की एक्टिंग बंद कर दे। समझा? मेरे बारे में मुझसे बेहतर तू जानता है। सुबह 4 बजे उठता हूँ, दिन भर ग्राउंड पे रहता हूँ और शाम को तुम लोगों के साथ। वहाँ मेरे एक चाचा है, उनकी तबीयत खराब थी 2 हफ्ते से, तो उनको देखने जाता था। तू चाहे तो नर्स से पूछ सकता है, और अगर तेरे को लगता है कि वहाँ जाते वक्त या वहाँ से आते वक्त अगर मैंने कुछ किया तो फिर यू हैव टू डू बेटर देन दिस। इससे बेहतर तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, तुझ पे भरोसा। बेटा इसको बंद कर। थैंक यू। अपने बच्चे में भी। अरे क्या हुआ? अब तो केक भी आ गया है, गिफ्ट भी डन है, तो थोड़ा सा मुस्कुरा, थोड़ा सा। अरे क्या हुआ? क्या वो जोकर वाले भैया ने टांग दी थी? अरे तो क्या बात हुआ, जोकर नहीं आ रहा तो बच्चे देखना खुद ब खुद खेल लेंगे। ये साइकिल को लेकर इतने एक्साइटेड थे, एक दूसरे से राउंड दे दे। बॉल देना मेरे को भी। नहीं अमित, मैंने तुम्हारा साइज बहुत ढूंढ के लाया है, बहुत मेहनत से ढूंढ के लाया है। बिल्कुल नहीं, तुम जो कहती हो मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल ये गलत। अच्छा लगेगा। अरे यार तुम देखो मेरा मजाक ही बना के रख दिया तुमने। अच्छे लग रहे हो, बड़ा क्यूट लग रहा है। एक सेकंड सर। जी सर। अमित जी, वो चाइल्ड किलर पकड़ा गया है, वीर सिंह। सर हम श्योर हैं कि वीर सिंह ही? हाँ, ये वही उड़ान वाले वीर सिंह हैं। सर अगर बात उल्टी पड़ गई ना तो पब्लिक हमें नोच खाएगी। पता है, केस में बहुत प्रेशर होगा, इसीलिए आपको चुना है। स्टेट गवर्नमेंट की नजर भी इस पर रहेगी। भरोसे के लिए शुक्रिया सर। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। अमित? वो कुछ नहीं, बस ठीक हो तुम? एकदम। पार्टी के लिए जोकर रेडी है। Son of a bastard ठीक होगा, ना अच्छी थी। सर खुद से प्यार कर सकते हो? तुम्हें भी करना चाहिए। We only breathe for one. Whoa, whoa, whoa! Jesus! अनुराग जी कैसे याद किया? सरकार गिर रही है जयसिंह जी, न्यूज लगाइए। यहाँ के यूथ गुरु कहलाए जाने वाले और कई मेडल से सम्मानित किए गए वीर सिंह को लखनऊ पुलिस ने 2 प्रवासी बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। साहब मुझे क्यों दिखा रहे? बच्चा हत्याकांड का केस निपटा कर सरकार को लॉ एंड ऑर्डर जीत मिली है, इसलिए आपको वीर सिंह की तरफ से लड़ना भी है और जीतना भी। बल्ले में राज्यसभा नॉमिनेशन आपकी। अब मजाक कर रहे हैं? इलेक्शन नजदीक हो तो ऑपोजिशन मजाक नहीं करती जय सिंह साहब, पार्टी कमान को आपसे काफी उम्मीदें हैं। Then consider it done. आप ही के कमीने दोस्तों में से एक था पापा, राज्यसभा की सीट आपसे पहले।
माननीय मुख्यमंत्री ने इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है। कोर्ट में वीर सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और उन्हें अभी अभी लखनऊ सेंट्रल जेल लाया गया है। अभी अभी खत्म हो गया। ला भाई सब्जी खत्म, अचार लो, अचार लो। आप में से कितने लोग हैं जो वीर सिंह या उसके बारे में पहले से जानते हैं? कितनों के बेटा बेटी, भांजा भांजी उसकी उस उड़ान में? हाँ, पर वीर सिंह की ना पब्लिक इमेज को हमें संदूक में भरना है और क्राइम और एविडेंस को देखना है, सिर्फ क्राइम और एविडेंस। बिल्कुल सही कमरा है, आइए आइए बैठिए। इनफैक्ट आप ही का डेथ वारंट पड़ रहा है। पुलिस के हिसाब से ही आपका स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है कि मुलजिम के पास कोई प्रूफ या रिकॉर्ड नहीं है कि वो अपने अंकल के घर जाते वक्त या फिर वहां से लौटते वक्त कहां थे, कहां रुके थे और उन्हें कितना वक्त लगा था। आपने से कहा? हाँ, वो सर मैं वो ऑफिसर इंचार्ज मेरा दोस्त था। वीर सिंह जी, जितनी जल्द आप समझ ले कि यहाँ पर आपका कोई दोस्त नहीं है मेरे अलावा, अच्छा हो गया। इनफैक्ट आज से मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं। ओह, आई एम सजेस्टिंग बाय द वे। आपको कौन नहीं जानता है, बट आई एम रियली सॉरी, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। फिलहाल मेरा इस केस पे ना होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट दैट। ये केस मैं आपके लिए फ्री में करना चाहता हूँ। क्यों? वो जीतने के बाद डिस्कस करेंगे। वैसे आपके पुराने वकील को उनका चेक मिल चुका है, काफी खुश थे, और अब अगर आपको कोई एतराज ना हो तो इस डॉक्यूमेंट पे बस दस्तखत कर दीजिए एंड देन यू गुड टू गो। थैंक यू वेरी मच। यहाँ के सुख सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ना टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि सब दादाशाह के अंडर में है। तो बोल, कैश या काइंड? क्योंकि टैक्स नहीं तो इससे साफ करना पड़ेगा, सोच के बताओ। शुक्ला जी, वो मैकेनिक को बुला लीजिए। देते भी नहीं है यार, चले जाते सीधे। सरकार पधार रहे हैं।
क्रिमिनल केस नंबर 332, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीर सिंह। वादी की तरफ से श्री अमित कुमार, प्रतिवादी की तरफ से श्री सिद्धार्थ जय सिंह। मुझे उम्मीद है इस केस के दौरान प्रोसिक्यूशन और डिफेंस इस कोर्ट की गरिमा का पूरा ख्याल रखेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट्स प्लीज। जनाब, पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश में 38 माइग्रेंट बच्चों को मार दिया गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वो 36 गुमशुदा बच्चों का इस केस से कोई लेना देना नहीं। इस कोर्ट के अनुभव और विवेक को कम न समझा जाए, ये इतनी आसानी से ना ही प्रोसिक्यूशन और ना ही डिफेंस की बातों में आने वाला है। ओवररूल्ड। जनाब, जो शव हमें मिले वो इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि उनकी शनाख्त तक करना नामुमकिन हो गया था, मगर शाम और शामला, जनाब शाम और शामला को, जनाब इस वक्त हमारे कोर्ट में लीला जी और रमेश जी मौजूद हैं। इस कोर्ट में इस ट्रायल के दौरान हम कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे उनको बहुत तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से मैं अभी से उनसे माफ़ी मांगता हूं। जनाब, शाम और शामला के शव आज जले मिले, इसीलिए हमारी पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाई और मुलजिम वीर सिंह को गिरफ्तार कर पाई। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुलजिम हमारे समाज के इज्जतदार लोगों में से एक है, मगर एविडेंस के दम पर हम ये साबित कर देंगे कि मुलजिम ही मुजरिम है। शुक्रिया जनाब। अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ एक बात सही कही कि वीर सिंह समाज के इज्जतदार लोगों में से एक है। 5 साल में 38 बच्चों का खून और एक भी गिरफ्तारी नहीं। ऐसे में हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का प्रेशर मैं समझ सकता हूँ, खास करके जब इलेक्शंस भी नज़दीक हो। कोई भी वही करता जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी जाने माने शख्स को फंसाओ, खबर को सनसनी बनाओ और उसके शोर में खुद की नाकामयाबी को दबाओ। वीर सिंह, कम ऑन, इज अ नेशनल ट्रेजर योर ऑन। इन्होंने पहले सिक्योरिटी फोर्सेस में रहकर इस देश की सेवा की और अब अपनी जिंदगी और जिंदगी की सारी जमा पूंजी स्पोर्ट्स और स्किल से बच्चों के डेवलपमेंट में सैक्रिफाइस कर दिया और इन्होंने सबसे घटिया इल्जाम लगाकर इन्हें यहां पेश कर दिया। मैं तो यह समझता हूं कि किसी भी निर्दोष इंसान के प्रतिष्ठा का कत्ल करना उतना ही संगीन जुर्म है जितना कि किसी का मर्डर या खून करना। जनाब, प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाना चाहेगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हाजिर हो। जो भी कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। बैठिए। थैंक यू सो मच, आई एम कंफर्टेबल। अपना नाम और अपनी पोस्ट कोर्ट को बताइए। सुनील सचदेव, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस हत्याकांड टास्क फोर्स को मैं लीड कर रहा हूं सर। जनाब, ये क्राइम सीन की तस्वीर है। अगर आप मुलजिम को गिरफ्तार ना करते तो क्या ये दोनों बच्चों का नाम भी उस हत्याकांड की लिस्ट में आप जोड़ देते? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बाकी बच्चों का इस केस से क्या लेना देना है? यही तो पता करना है। ओवररूल्ड। जी जी जनाब। ऐसा क्यों करते आप? तरीका वही था, माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों को अगवा करना, उन्हें मारना और उनकी डेड बॉडीज को जला देना। आप कोर्ट को डिटेल में बताइए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन मुलजिम तक कैसे पहुंची। विटनेसेस के मदद से हमें ब्लैक एसयूवी के बारे में पता चला, जिसे हमने नाकाबंदी में पकड़ लिया था। और यही ब्लैक एसयूवी जो है वो क्राइम के लिए भी यूज हुई? जी, उसमें हमें बॉडी फ्लूड और ब्लड सैंपल्स मिले। नंबर प्लेट और डॉक्यूमेंट्स दोनों नकली थे, पर इंजन नंबर और चेसी नंबर से पता लगा कि गाड़ी कनोज की थी, हरपल फेरा के नाम पर थी। लेकिन 5 साल पहले उसने यह गाड़ी अकाल सिंह नाम के किसी आदमी को भाड़े से दी थी। सर जी, हरदोई का जाना माना जमींदार था वो, और पेपर साइन करने से पहले मैंने उसके बारे में पता किया था। अच्छा, तो ये अकाल सिंह को फिर आपने हिरासत में लिया? जी नहीं,
फेरा ने जिस आकार सिंह के बारे में बताया वैसा आकार सिंह है ही नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के आईडी पेपर्स सब जारी थे। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, पर ये आपके मिस्टर फेरा तो अकाल सिंह को मिल चुके थे। एक बार मिला था अकाल सिंह को सर जी, यंग मोटा सा, दाढ़ी रखता था जी बड़ी, प्रॉपर साइन है जी उस केस में, ये देखिए। उसके बाद सब फोन पर होता था, डील रिन्यूअल, सर्विसिंग, पिकअप ड्रॉप, कैश पहले से गाड़ी में रखा जाता था। तो ये मिस्टर फेरा गाड़ी की पिकअप और ड्रॉप कहाँ करते थे? एक बंद पड़ा हुआ ट्रैक्टर का शोरूम है हाईवे के पास, वही। सर जी उसने कहा था कि वो जगह मेरे लिए ठीक रहेगी। लेकिन फेरा अपने गाड़ी को लेकर टेंशन में था, अपने तसल्ली के लिए उसने गाड़ी का पीछा किया फार्म हाउस तक। इसीलिए हम पता लगा पाए कि उसी फार्म हाउस के आउट हाउस को क्राइम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ओह माय गॉड, बेसमेंट में हमें 7 साल का लड़का मिला जिसे बांध के रखा था। उसे पूछने के बाद उसने कहा कि कोई बुढ़िया के बाल वाले अंकल उसे वहां ले आए थे। श्याम और श्यामला भी वहीं पे? जी हाँ, डीएनए कंफर्मेशन हो चुका है। और कुछ खास बरामद हुआ वहां पे? एक फैट सूट मिला जिसे इस्तेमाल किया गया था, दाढ़ी चिपकाने का स्पिरिट गम मिला, लेकिन दाढ़ी मूछ कुछ नहीं मिली। रूम में बुढ़िया के बाल के बहुत सारे पैकेट्स मिले। अलमारी में नाइट्राइल ग्लव्स मिले जिसकी वजह से कहीं भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हमें वहां। आपने आपके इन्वेस्टिगेशन में कहा है कि फिर आपने घर के ओनर को ट्रेस किया। जी, अकाल सिंह मिले, दुबले से, 80 साल के बूढ़े, एक नर्स उन्हें संभालती थी और उन्होंने फार्म हाउस अपने भतीजे के नाम किया था। और कौन था यह भतीजा? वीर सिंह। साइलेंस प्लीज। नो फर्दर क्वेश्चन जनाब, थैंक यू सर, आपका विटनेस। डीसीपी साहब, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आपने कहा कि बेसमेंट में आपको किसी भी चीज पे मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जी, वो नेचुरल ग्लव बॉक्सेस पर भी नहीं। जी, तो आपका ये मानना है कि मेरे क्लाइंट ने ग्लव्स पहनकर ग्लव्स का बॉक्स भी खरीदा? अगर इतने माहिर खिलाड़ी हैं मेरे क्लाइंट, तो एक बात बताइए, उन्होंने क्राइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी क्यों चुनी? जस्ट अ थॉट, नेवर माइंड। मोर इंपॉर्टेंटली, हरपल फेरा ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने मेरे क्लाइंट को गाड़ी दी थी, और ना मेरे क्लाइंट वो दाढ़ी वाले मोटे शख्स हैं, क्योंकि जब वो मोटे शख्स रोड ब्लॉक से दूर दौड़ रहे थे, मेरे क्लाइंट मिठाई लेकर बाल भवन ऑर्फनेज की तरफ जा रहे थे। इनफैक्ट ये आपके स्टेटमेंट में लिखा है। दो घंटे बाद, मुलजिम बहुत अच्छे रनर हैं और फार्म हाउस और रोड ब्लॉक सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। रनर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपने किसी और रनर के साथ टाइम किया होगा जो मोटापे के भेस में कच्चे पक्के रास्ते से दौड़े, शावर ले, कपड़े बदले, गाड़ी में बैठे और ड्राइव करते हुए वापस आए। जरूरत नहीं पड़ी, मैं खुद उनके साथ दौड़ चुका हूँ। जरूरत नहीं पड़ी, काफी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया। क्या आप जानते हैं कि मेरे क्लाइंट कौन सी गाड़ी चलाते हैं? एक स्मॉल कार, लाल रंग की। वेल डन, तो आपका मानना है कि मेरे क्लाइंट ने भेस बदल कर ब्लैक एसयूवी भी चलाई, लाल गाड़ी भी चलाई, एक ही रास्ते पे चलाई और वो भी उल्टे डायरेक्शन में, और वाह, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन जनाब, कोई कॉमेडी शो चल रहा है यहाँ पे? कॉमेडी? बिना सबूत के मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार करना ही सबसे बड़ी कॉमेडी है योर, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ भी सुना है उससे सिर्फ यह साबित होता है कि खूनी ने वीर सिंह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, वो खूनी जिसे अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। वीर सिंह एक सच्चा देशभक्त है, इस देश के महान नागरिकों में से एक, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी, पहले एक सिपाही के रूप में
और अब एक शिक्षक के रूप में मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ। कुछ याद आया? ये वीर के लिए मैंने स्पीच दी थी। दिल से लिखी थी या सिर्फ लिखी थी? मैं इस बात को मानता था। मानते थे लेकिन अब नहीं मानते, तो शायद आज आपका मानना है कि वो एसयूवी के ड्राइवर वीर सिंह थे और कल इस बात को आप ना माने। ऑब्जेक्शन जनाब। इट्स ओके, आई हैव नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। जरूरत नहीं पड़ी। सामान उधर है, ये बंद कर दो। जज साहब हाजिर हो। Why are you so serious, जज साहब? भाई शोभा, 9 महीने शराब से दूर रहने के बाद फिर क्यों? क्यों शोभा? किसने कहा 9 महीने से मैं शराब से दूर थी? बस आपको सबूत नहीं मिला जज साहब। तुम्हारी और मेरी और अच्छी बनती। इफ आई कुड ओनली पोर यू फ्रॉम द बॉटल। बहुत लंबा टिक गया तू। दादा शाह का ऑफर अभी भी खुला है। दादा शाह लाइक करता है तुमको, अपना खास बनाना चाहते। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, सॉक्स तो पहन लीजिए। तो एक ही है, दूसरा कहाँ है? एक ही जुरा। अरे हमेशा लेट करती। अरे तो मुझे क्या पता वो जूते में नहीं थे। वैसे पापा, हमने टीवी में देखा कि लॉरेंस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, पर हमारी तो कितनी छोटी है। बेटा, कुछ वकील अपना ख्याल रखते हैं और कुछ तुम्हारे पापा की तरह ईमानदार पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जो इस दुनिया का सुपरमैन जैसे। यस, सुपरमैन जैसे। नहीं, शक्तिमान जैसे। अच्छा, शक्तिमान जैसे। और ये देखो, एक सेकंड में हम बन गए शक्तिमान। पर पापा, इस कौवा सूट में तो आप क्रो जैसे लग रहे हो। क्योंकि हम तो हैं ही क्रो मैन द लॉ मैन। आलोक अवस्थी, आई एम ए फॉरेंसिक सर्जन। श्याम और श्यामला की ऑटोप्सी आपने की? जी। बच्चों की उम्र 7 साल? जी हाँ। दोनों शव किस हालत में आए थे आपके पास? देखिए, जब हमारे पास में बॉडीज आई तो वो बुरी तरीके से जली हुई थी, पर फिर भी हम बच्चों की पहचान कर पाए। मरने का कारण आप पता लगा पाए? दोनों बच्चों को गला घोट के मारा गया है। आपके फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आपको कोई और बात सामने आई? जी हाँ, दोनों बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। बाद भी? एक बात और गैर मामूली थी जो
बच्चे का जबड़ा था वो इस तरीके से लॉक हो गया था जैसे उसने किसी चीज को बहुत जोर से काटने की कोशिश की हो. द मसल्स वर कंप्लीटली जैम्ड. जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैंने मुंह को खोला तो उसने अपनी खुद की जुबान काट ली थी. और हमें एक स्किन टाइप का सब्सटेंस भी मिला जिसको हमने डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया. हो सकता है छटपटाट के अंदर उसने अपनी जुबान के साथ साथ खूनी का हाथ भी काट लिया. ऑब्जेक्शन, दैट्स स्पेकुलेशन. वो दावा नहीं कर रहे. ओवररूल्ड. जनाब, जब मुलजिम को पकड़ा गया तो उनकी कलाई पर ये निशान था. जब बाइट मार्क एक्सपर्ट हमारे साथ आएंगे तो हम इसकी और डिटेल में जाएंगे. मिस्टर सिंह, दर्द तो काफी हुआ होगा आपको. नो फर्दर क्वेश्चन. चला नो क्वेश्चन योर ऑनर, बट यस एन ऑब्जर्वेशन. प्रोसिक्यूशन ये स्पेक्यूलेट कर रहा है कि जो चोट वीर के हाथ पे लगी है वो बच्चे के काटने से हुई है, लेकिन असल में मेरे क्लाइंट के मुताबिक वो ये क्रिकेट बॉल लगने का निशान है. और जब प्रोसिक्यूशन बाइट मार्क एक्सपर्ट को पेश करेंगे, मैं साबित कर दूंगा कि क्रिकेट बॉल के भी दांत होते हैं. उसे सीम कहते हैं. थैंक यू. अपना नाम और प्रोफेशन कोर्ट को बताइए. I'm Maya Kavaj. My field is forensics. I have 16 years of experience and I've been trained in the US. Maya ji, आपने अपने पुलिस स्टेटमेंट में कहा है कि बच्चों पे आपको मुलजिम के डीएनए सैंपल्स मिले. जी, लड़के के पीठ पर और लड़की के नेवल, आई मीन नाभि पर. और आपने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि उस काली गाड़ी में आपको बच्चों के ढेर सारे डीएनए सैंपल मिले. That's correct. Blood, fluid, skin cells, all of it. आपको मुलजिम के भी डीएनए सैंपल्स मिले वहां? Surprisingly no. फिर तो फैट सूट पे भी नहीं मिलेंगे. जी नहीं. जनाब, हम देख सकते हैं ये एक वेल ट्रेन्ड शातिर इंसान का ही काम है. मैं आज आप कोर्ट को बता सकती हैं कि आपको मुलजिम वीर सिंह के फार्म हाउस पे क्या मिला. मारे गए बच्चों के डीएनए सैंपल्स और कुछ ब्लड स्पॉट्स जिनका कोई मैच नहीं मिला है. इनफैक्ट बहुत सारे ब्लड स्पॉट्स. बहुत सारे ब्लड स्पॉट्स, यानी कह सकते हैं करीबन 36 बच्चों के और ब्लड स्पॉट्स. सस्टेंड. मैं जी, आपको वहां पे मुलजिम के भी डीएनए सैंपल्स मिले? जी, प्लेंटी. इनफैक्ट बच्चों को जहां टॉर्चर किया गया था वहीं पर. जहां बच्चों को टॉर्चर किया गया था वहीं पर. मैं जी, कोर्ट को बताइए कि आपको मुलजिम वीर सिंह के घर पे क्या मिला. कॉन्डम्स, जिस पे वही कोटिंग है जिसका रेसिड्यू हमें बच्चों की ऑटोप्सी में मिला, इन द एनस एंड वजाइना. नो फर्दर क्वेश्चन. आइए आपका विटनेस. बड़े हिचकिचाहट से मुझे कन्फेस करना होगा कि मैं भी यही ब्रांड कॉन्डम का इस्तेमाल करता हूँ. तो क्या इससे मैं भी शक के दायरे में आ जाता हूँ? फोरेंसिक साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि महज कॉन्डम के पैक को देखकर ही उसे इस्तेमाल करने वाले का नाम पता लगाया जा सकता है. ऑब्जेक्शन जनाब, एक्सपर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं. मिस्टर जयसिंह, आप अपना कटाक्ष अगर पॉलिटिक्स के लिए बचा कर रखें तो बेहतर है. मैम, जवाब दीजिए प्लीज. जी नहीं, कॉन्डम्स किसने इस्तेमाल किए हैं ये जानने के लिए डीएनए एविडेंस होना जरूरी है. यानी कि आपके पास ऐसा कोई डीएनए एविडेंस नहीं है जो बच्चे पे मिले हुए रेजिड्यू को मेरे क्लाइंट से लिंक कर सके. आया ना मैम? कैन यू आंसर माय क्वेश्चन? घर छोड़िए. आई गो ना प्लीज. थैंक यू. सॉरी, एक्सक्यूज मी. जनाब, थैंक्स. अच्छा मैम, क्या ये सच है कि ये डीएनए एक ऐसी चीज है कि हम जहां जहां जाते हैं वो एक तरह से उस वातावरण में घुल जाता है? जी. तो मेरा डीएनए इस ग्लास पर होगा? यस. अगर ये डीएनए इतनी इजीली ट्रांसफरेबल है
तो मेरे क्लाइंट का डीएनए उन बच्चों पे होना मुमकिन है क्योंकि वो बच्चे मेरे क्लाइंट के प्रॉपर्टी पे थे। लेकिन असली सवाल तो ये है मैडम कि इजीली ट्रांसफरेबल डीएनए उस गाड़ी में क्यों नहीं मिला जिसमें बच्चों की लाश थी। क्या मेरे क्लाइंट इतने शातिर हैं कि उन्होंने अपना डीएनए उस गाड़ी में नहीं छोड़ा तो फिर अपने फार्म हाउस को लेकर इतने लापरवाह क्यों हो गए? जवाब एक ही है मैडम, मेरे क्लाइंट उस गाड़ी में थे नहीं और उस घर में रहने से तो उन्होंने कभी इनकार ही नहीं किया। सीन मिस्ट्री सॉल्व, नो मोर क्वेश्चंस जॉन। एक नंबर के झंडू हैं आप लोग। अभी कोई ऐसा एविडेंस लाके दीजिए जो वीर सिंह को लाके क्राइम सीन पे खड़ा कर दे। क्या हुआ उस डीएनए का जो बच्चे के मुंह में पाया गया था? वो रिजल्ट्स हैदराबाद से आ रहे हैं। हाँ, तो उनको कहिए कि अगली हियरिंग तक अगर नहीं आया तो उसकी बिरयानी बना के खा लें। और जब तक ये एविडेंस नहीं आता कोई घर पे नहीं जा रहा सिंह साहब, आप भी। वरना केस हाथ से क्या समझोगे यार? सॉरी शोभा, आज हमें ज्वाइन नहीं करेगी। ये चेस्ट इन्फेक्शन की दवाइयाँ भी इतनी स्ट्रांग है ना, झट से सुला देती हूँ। अरे तुम्हारा केस तो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है किशोर। और मजे की बात यह है कि इसमें खरगोश और कछुआ दोनों ही जयसिंह ही है। कभी कभी ये भी सोचता हूं कि अगर मैं होता पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो इसे कैसे हैंडल करता। किशोर, किशोर, ओपन द डोर किशोर। फिर से पीना शुरू कर दिया उसने। जब आप आए तो होश में नहीं थी। तुम बहुत सच्चे आदमी हो किशोर। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता ना तो अब तक या तो उसे छोड़ चुका होता और या कहीं दूर जाकर छुपा के आया होता। छुपाने की कोशिश की थी मैंने मगर दिल नहीं माना। प्यार करता हूं ना उसे, अब हील भी करूंगा। आज की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। जनाब, प्रोसिक्यूशन डीएनए एक्सपर्ट माया कंवल को फिर से बुलाना चाहेगा, नए डीएनए एविडेंस मिले। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। प्लीज अप्रोच द बेंच। आपको जानकारी दे रहा हूं ना। रियली? हां तो किंतु क्या होंगे? इट्स एब्सोल्युटली एब्सर्ड। ये क्या नया एविडेंस है और मिस्टर जयसिंह के पास इसकी जानकारी क्यों नहीं है? जनाब, ये एविडेंस हमको कल रात को मिला, हमारे पास वक्त ही नहीं था। पर इसमें जो डीएनए मैचिंग मिली ना, इसलिए जुटला नहीं पाएंगे। आप खुद ही देख लीजिए। ये आपका। I mean, I don't know. इसके लिए वक्त लगेगा। I would say 3 weeks. आपके पास 10 दिन हैं। Your Honor, it's impossible. That is all. और आज के जो शेड्यूल विटनेसेस हैं, आप उन्हें बुला सकते हैं। यशपाल शर्मा हाजिर हो। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
कोर्ट को अपना नाम और व्यवसाय बताएं। मेरा नाम यशपाल शर्मा है, उम्र 41 साल, सिक्योरिटी फोर्सेस में ऑफिसर था, अब दिल्ली में एक प्रॉपर्टी का बिजनेस है। आप वीर सिंह को कैसे जानते? दोस्त थे, फोर्स में ट्रेनिंग साथ में ली थी। साथ में काम भी किया था? जी सर, हम दोनों कश्मीर में पोस्टेड थे, पर बाद में वीर इंटेलिजेंस के लिए अंडरकवर काम करने लगा। तो उसके बाद आप लोग साथ नहीं थे? थे सर, एक ऑपरेशन में मुझे गोली लगी थी, ठीक होने पर वीर ने मुझे अपने साथ ले लिया अंडरकवर। उसमें वीर की आइडेंटिटी थी रंजीत, अ जर्नलिस्ट फॉर एन इंटरनेशनल न्यूज कंपनी, और मैं उसका फोटोग्राफर। आपके हिसाब से वीर सिंह कैसे ऑफिसर है? ही वॉज अ ट्रेंड असासिन, निहायत ही बेरहम, भेस बदलने में माहिर। अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है। प्लीज जनाब, हम सिर्फ इस बात की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वीर सिंह की जो ये विकृत आकर्षण है बच्चों के लिए, ये कहां से आ रहा है? अगर ये बात है तो प्लीज गेट टू द फैक्ट्स क्विकली। जी जी जनाब, आप प्लीज कोर्ट को बताइए उस वाक्य के बारे में जब आपने वीर सिंह का वो घिनौना रूप देखा। हम एक बिजनेसमैन को ट्रैक कर रहे थे जिसकी टेररिस्ट फंडिंग में इन्वॉल्वमेंट थी, तभी हमें उस बिजनेसमैन की एक कमजोरी हाथ लगी, बच्चे। वीर किसी तरह उस बिजनेसमैन से मिला और निकलते वक्त बड़ी चालाकी से सॉरी। अरे वाह, अच्छा लगा आपको? बेहद। ये मेरी तरफ से आपके लिए। I'll see you soon. सर, फोटोज देख देख के चश्मे का नंबर बढ़ गया है। कच्ची उम्र में काफी मासूम और कमसिन होते हैं, ताजा माल तो दिल्ली में ही मिलता है। आप कहें तो यहीं आपको दिल्ली दर्शन करा देते हैं। फिर एक दिन मुझे पता चला कि पुलिस ने उस बिजनेसमैन और उसके नौकर को अरेस्ट कर लिया। उन्हें उनके कॉटेज के पीछे दो माइग्रेंट बच्चों की लाशें मिली थी, उन्हें दफनाया गया था। वो बिजनेसमैन रोया, गिड़गिड़ाया कि बच्चों को लाने और मारने वाला वो नहीं, रंजीत था। पर रंजीत तो कहीं नहीं मिला। उसके बाद क्या, हेडक्वार्टर्स ने मुझे वापस बुला लिया। आप जानते हैं वीर ने उन्हें बताया कि उस सबका जिम्मेदार मैं था, और चूंकि ये हमारे कोड ऑफ ऑनर के खिलाफ था, मुझे रिजाइन करना पड़ा। नो फर्दर क्वेश्चंस मिलोट, आपका विटनेस। यशपाल जी, क्या आप जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स में कोई भी ऑफिशियल कुछ नहीं कहेगा, ये उनका नियम है? जी सर। तो आपकी कहानी भी मनगढ़ंत हो सकती है। ऑब्जेक्शन जनाब। ओवररूल्ड। आप इतना घटिया इल्जाम वीर पर लगाकर क्या खुद को बचाना चाहते हैं? मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है सच कहा है। एक औरत ने कुछ बच्चों को उसके हवाले किया था। बच्चे? क्या आपने वीर को कभी किसी बच्चों के साथ बुरा भला कहते हुए या बुरा बर्ताव करते हुए देखा है? नहीं सर। पूरी पलटन दुश्मन के घेरे में आ चुकी थी, रिट्रीट के ऑर्डर्स जारी हुए थे, मगर वीर सिंह वहीं डटे रहे और अपनी जान पर खेलकर जख्मी हाल में पड़े अफसर यशपाल शर्मा को सुरक्षित जगह ले आए। ये वीर सिंह के गैलेंट्री अवार्ड के सर्टिफिकेट पे लिखा है, आपको तो याद होगा। नहीं सर। एक्सक्यूज मी, नहीं? एक आदमी ने आपकी जान बचाई और आपको याद नहीं? आई गेट द फीलिंग कि आप वीर को खास पसंद नहीं करते। क्या ऐसा है कि आप चाहते हैं कि उन्हें फांसी हो? किल द मैन हु सेव्ड योर लाइफ, व्हाट इज इट? आपको अंदाजा भी है आप किसकी वकालत कर रहे हैं? अरे आस्तीन का सांप है वो, भेड़ की खाल में भेड़िया। 100 लाशों पर चलकर उसने वो मेडल्स हासिल किए हैं सर। मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। खूनी है वो, खूनी। He is a bloody murderer. सर उसे छोड़िए मत। I urge you sir. Sir, punish him. This court is now adjourned. Seems like we have our first real challenge.
क्या है वीर की उन्होंने ब्लड डीएनए को आइसोलेट करके आइडेंटिफाई कर दिया, वो जो बच्चे के मुंह में मिला था वो डीएनए तुम्हारे डीएनए से मैच होता है वीर। अब मुझे वो सैंपल्स को वेरीफाई करके मैच परसेंटेज में डाउट क्रिएट करना होगा, विच इज पॉसिबल बट इट्स ऑल्सो एक्सपेंसिव, क्योंकि वो सैंपल्स मुझे यूएस के लैब्स में भेजने होंगे। एनी क्वेश्चंस? डोंट वरी, आई पे फॉर इट। नो, आई पे फॉर इट। तुमने वैसे मेरे लिए बहुत कुछ किया। थैंक यू वेरी मच। नहीं भाई, बुकड है। He was beaten up very badly. पर शुक्र है उन्होंने अपना सर बचा लिया, वरना आज ये जिंदा नहीं रहते। कैसी हालत है? लाइफ सपोर्ट पे रखा है। प्रोसिक्यूशन केस कंटिन्यू करना चाहता है। किसी भी हाल में केस जीतना है, हा? उस डीएनए के दम पर। No, don't be so sure. Mr. Jaisingh, किसी के पीठ पीछे केस को आगे बढ़ाना, it's unethical. पीठ पीछे कैसे? वकील तो आप है ना, आप तो होंगे वहां पर। और वैसे भी मिस्टर जयसिंह शायद भूल रहे हैं कि उनके क्लाइंट खुद जिम्मेदार हैं इन सब के लिए। उन्होंने जेल में मारपीट की, जख्मी हुए, ताकि ट्रायल आगे ढकेल दिया जाए। इतना एक तरफा भी मत सोचिए, वो मर भी सकता था, फिर शायद आपको आपका मन चाह वर्डिक्ट भी मिल जाता, और वो भी बिना केस लड़े। अमित जी देखिए, आप एक साफ इंसान हैं, दब्बों से बचिए। मेरी तरह किसी भी हद तक गिरने की जरूरत नहीं है आपको, और मुलजिम के हक को भी डिफेंड करना प्रोसिक्यूशन का फर्ज है, और मेरे क्लाइंट को पूरा हक है कि वो उस कोर्ट में रहे। उस हक को मत छीनिए। मिस्टर जयसिंह के क्लाइंट जब हॉस्पिटल से रिहा होंगे तब ये ट्रायल कंटिन्यू होगा। यस सर।
know what's the best thing about Alcoholics Anonymous meetings? Drinking circle badh jata hai. What am I doing here, Kishore? Why am I here? क्योंकि तुम यहाँ आना चाहती थी. सोबर होके क्या करूंगी, उल्टा और डर लगेगा. क्यों? लॉ प्रैक्टिस करो. उसका नशा शराब के नशे से ज्यादा मीठा है. और डर का क्या है, हम सभी डरे हुए हैं ना. शोभा, जाने से पहले एक एक हो जाए. शुभा, तुम क्या है कि अपनी राजनीति में बहुत ओछापन आ गया है. सब कुछ परसेप्शन, इलेक्शन, इनके बीच में टके रह गया है. हेलो, क्या क्या हुआ वीर को? व्हाट्स द प्रॉब्लम डॉक्टर? वेल, उनकी फिजिकल रिकवरी तो काफी अच्छी है, पर उनका दिमाग जागना नहीं चाहता है. पहले तो हमें लगा कि ये नॉर्मल ट्रॉमा का केस है. ऐसे केसेस में ये सब होता ही है, जब आपकी लाइफ किसी दर्दनाक हादसे की वजह से थम जाती है. बट वन नाइट वी रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम और गहरा है. अरे ये तो वीर सिंह का रूम है, मेरा रूम. अरे तुम बाहर कैसे? मेरा वीर सिंह. चलो अंदर, चलो. अरे अंदर चल, चलो अंदर. इस वाक्य के दूसरे ही दिन मैट्रिन ने भी कुछ ऐसा देखा विच वॉज इवन मोर कंफ्यूजिंग. क्या परेशानी है? नाम याद नहीं और नाम के. तुम्हारा नाम वीर सिंह है. His actions became completely illogical. कभी भी कुछ भी कर देते थे. Then he was completely unpredictable and aggressive. हमें sedatives देने पड़ते थे. Heal होने के बाद फिर कुछ दिनों तक he was normal. किसी से बात तो नहीं करते थे, लेकिन ऐसे दौरे फिर नहीं पड़े. फिर एक दिन मैं विजिट पे गया तो देखा कि इतने गंदे लग रहे हैं मुझे. वो मिलेगा, वो उसको अच्छा करना है. नेल क्लिपर भेज देती हूँ. उसी शाम मैं फिर उन्हें देखने गया. उनकी पल्स चेक करते वक्त मेरी नजर उनके नाखून पर पड़ी. वो बहुत ही अच्छी तरह से शेप किए गए थे. बट असली हैरानी की बात तो तब हुई जब मैंने उन्हें चलने को कहा. उनकी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव था.
वो एक फौलादी ऑफिसर की चाल नहीं थी बल्कि एक ग्रेसफुल और नाजुक वॉक थी। और फिर एक सुबह उन्हें सब याद आ गया। नाम याद आ गया मुझे, मुंह पे ही था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे। अरे वाह, फिर बताओ क्या बोले हम तुम्हें? चारू, चारू रहना, आपको पता है मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे मेरे ऐसे, पानी कब कट गए। और उस रात जो मेट्री ने देखा वो शायद ही कभी भूल पाएगी। Excuse me. कैसे हो वीर? देखो वीर, ये सब नाटक करने से कोई फायदा नहीं। इतनी आसानी से दो बच्चों का खून माफ नहीं होगा। इनफैक्ट ये जो तुम कर रहे हो ना, ये उल्टा पड़ जाएगा। हमने इस केस में जो कुछ भी हासिल किया है सब पर पानी भर जाएगा। हाँ, उनके पास स्ट्रांग डीएनए एविडेंस है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि मैं उसमें डाउट क्रिएट कर दूंगा। नाउ स्टॉप दिस, ओके? कौन है आप? कौन है? I say just stop it! Calm down, please. तुम वीर सिंह हो और तुम? मैं चारू रहना हूं। मैं पहले भी कह चुकी हूं मैं चारू रहना हूं। कोर्ट इस बात को नहीं मानेगा, ओके? तुम्हें पूरा ट्रायल खत्म करना होगा, अब वीर सिंह बनके या फिर ये। मुझे अभी अभी थोड़ा याद आने लगा। गुड, क्या याद है? क्या याद है? मैं बस में जाती थी, वो कॉलेज था। कौन से कॉलेज याद है? कौन से कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज था हमारा, अंबाले में था हमारा कॉलेज, औरतों के लिए था, लड़कियों के लिए। मैं चाहती थी उसमें। तुम्हें जो चाहे याद आए या ना आए, यहाँ से तुम सीधा जेल जा रहे हो और जेल बड़ी बेरहम जगह है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इस तरह अगर वहां जिंदा रहना ना, तुम्हें वीर सिंह बनना होगा। मैं नहीं जाऊंगी जेल, मैं नहीं जाऊंगी जेल, देखना। बहुत ही ओछी और भद्दी चाल है ये। आपने कहा था आप गिर सकते हैं, लेकिन इतना आपके पिताजी की बुक्स पढ़ पढ़ के ना हमने वकालत सीखी, और आप खुद का ही नहीं पूरी कानून व्यवस्था का ना मजाक उड़ा रहे हैं। अपने आप को कंट्रोल कीजिए मिस्टर कुमार, आप क्या चाहते हैं मिस्टर जयसिंह? Am I on trial? What do you want? I don't know, sir. आप शायद ना माने, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर मैं कोर्ट से अगली डेट फिक्स करवा देता हूँ। There's one more thing. वीर सिंह अभी अपने आप को चारू रायना बुलाती है। वो अपने आप को जो भी बुलाए, कोर्ट के लिए वो हमेशा वीर सिंह ही रहेगा। ओ चम्बक चलो, बेगम जान चलो ना, चम्बक चलो ना, चलो ना फिर आपको हिंदी पकेंगे। चल गड़ाओ, चल चाह तो चलना। लोग बहुत परेशान। हाँ चल बता।
नमस्ते। छुट्टी हो गई मेरी। याद आया कुछ? बाथरूम नहीं जाना है। घर छोड़ दिए मुझे आप। काजल भिजवाते हैं तुम्हारे लिए, सूट करेगा। सरकार पधार रहे हैं। साइलेंस, अपनी अपनी जगह पर जाइए, कोई आवाज नहीं, वरना मुझे कोर्ट खाली करना पड़ेगा। बैठ जाइए प्लीज। प्रोसिक्यूशन जनाब, प्रोसिक्यूशन माया कंवल को फिर से बुलाना चाहेगा। माया कंवल हाजिर हो। याद रखें आप अभी भी अंडर ओथ हैं। जी माया जी, कोर्ट को अपने नए डीएनए फाइंडिंग्स के बारे में बताइए। बच्चे के मुंह में पाए गए स्किन सब्सटेंस पे जो ब्लड डीएनए था, उसका हमें काफी क्रेडिबल मैच मिला है। और किसका मैच मिला है? वीर सिंह। जोर से पूरे कोर्ट को बताइए, ये मैच किसका मिला है? वीर सिंह। वीर सिंह का मैच। प्लीज आवाज नहीं। और इस बात में कोई संदेह है? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। डिफेंस योर विटनेस। कितना परसेंटेज बताया मैं? 70%, जो काफी है given the fire and the degradation. क्या आप इस बात को मानती हैं कि इससे पहले भी डीएनए एक्सपर्ट से काफी गलतियां हुई हैं? That depends on the skill set. Fair enough. तो वैसे आप
FBI Labs के Michael Schwartz के स्किल्स को कहाँ रेट करेंगे? He is one of the best in the world. In fact, मैंने खुद भी काफी कुछ सीखा है उनसे. That's good to know. क्योंकि उनके रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 50% मैच मिले थे. मैं उनके साथ 5 मिनट बैठूंगी तो उनके रिपोर्ट में भी 70% मैच होगा. और मैं 5 मिनट बैठूंगा तो शायद 20% पर आ जाए. और उसी बात से मुझे दिक्कत है मैडम. जब तक साइंस एक्यूरेट नहीं, साइंस साइंस नहीं, एस्ट्रोलॉजी है 50-50. या ग्रहों को शांत वांत करके फेवरेबल कंडीशंस बनाए जा सकते हैं. थैंक यू जनाब. डिफेंस ये भूल रहा है कि ये जो परसेंटेज की आनाकानी है इन्होंने शुरू की, क्योंकि विज्ञान तो बार बार एक ही चीज बोल रहा है और स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि ये जो मैच है ये मुलजिम वीर सिंह का है. अब ये 50% है, 70% है, वो तो जलने पे. सुनिए, वो मेरा नाम नहीं. क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए. मेरा नाम चारू रैना है. मैं ना अम्बाले में, हम लोग वो साइकिल से हमने कॉलेज जाते थे. देखो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत है? बोलिए. होना अब तो बार बार गाने आके बहुत गंदा लगा जेल में मेरे को. बहुत घर चल, घर घर जाना, घर जाना. मैं घर जाऊँ? नहीं, घर चले हम. जनाब वीर सिंह जो ये नाटक कर रहे हैं ना, ये नुक्कड़ में आप 50 रुपए की टिकट दे दें, इससे अच्छा नाटक आपको वहां दिख जाएगा. क्या कर रहे हो? खून. डॉक्टर को बुला. आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए प्लीज. मेरा खून नहीं है, ये करना है इसको. I warned you guys. Your Honor, मैंने कहा था कि मेरे क्लाइंट को सीवियर ट्रॉमा है. ट्रॉमा या ड्रामा? Your Honor, क्यों? क्यों कोई जानबूझ के औरत बनेगा वहां जेल में, जहां रोज उस पर सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं? और जिस गुंडे की आग फोड़ी थी उसने, उसने चारू को अपनी रखेल बना लिया. Then I must send him back to the hospital. जनाब ये मन गलत बातें बता के आपको कहा. प्रोसीक्यूशन के और कितने विटनेसेस बाकी हैं? जनाब देखिए बाइट मार्क किस पर आ रहे हैं, उसके ठीक बाद. आई डिमांड अ मिस्ट्रायल. व्हाट डिड यू से मिस्टर जयसिंह? डिक्लेयर मिस्ट्रायल योर ऑनर, और मेरे क्लाइंट पे लगे हुए सारे इल्जामों को भी खारिज किया जाए. होश में तो हैं आप? डबल मर्डर का मुकदमा चल रहा है आपके क्लाइंट के ऊपर. होगा, लेकिन जो आदमी उस कोर्ट में खड़ा था वो मेरा क्लाइंट नहीं है, सिर्फ उसकी तरह दिखता है. पूरे कोर्ट ने देखा है, इसलिए जब तक मेरा क्लाइंट नहीं लौटता हम इस केस को कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो आप ये रूल कर दीजिए कि इनका जो क्लाइंट है ना वो जानबूझकर कोर्ट से लापता है, तो उसकी गैर हाजिरी में हमको ये ट्रायल कंटिन्यू करना होगा. यू कांट डू दैट. मेरे क्लाइंट का शरीर उस कोर्ट में मौजूद है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी मिसिंग है. लीगली वो एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों. क्या बात कर रहे हैं जनाब. और अगर इजाजत हो तो एक और बात कहूँ. कानून के नजरों में जब तक गुनाह साबित नहीं होता मुलजिम बेगुनाह होता है, इसलिए मेरे क्लाइंट के शरीर को भी रिहा किया जाए क्योंकि उसका गुनाह साबित नहीं हुआ. ये लीगल गुंडा कर दिए जनाब, हम इसे बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते. सबसे पहले ये पता करना है कि आपका क्लाइंट वाकई में गायब है या गायब होने का ढोंग कर रहा है. कोर्ट एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट को अपॉइंट करेगा, हु विल बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल. तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट. तुम पर बहुत अच्छा लगेगा चारू. क्या क्या कहा आपने? चारू बज गए. हाँ. ये मिस्ट्रायल को लेकर क्या बकवास है? उसे जीतना नहीं कहते जैसे. ये मेरे क्लाइंट के लिए ठीक है.
मगर हमारी पार्टी के लिए नहीं। आप शायद भूल रहे हैं, आपका क्लाइंट वो वीर सिंह नहीं, ये पार्टी है। अगर तुम्हारी पार्टी की माँ की, राज्यसभा सीट आप ही को मुबारक हो। क्या है ना, आपकी तरह चाट नहीं सकता। मीट डॉक्टर नंदी फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, मिस्टर सज्जय सिंह डिफेंस, अमित कुमार प्रोसिक्यूशन। Nice to meet you. He has agreed to help us in this case. नहीं नहीं, इसमें मेरी भी मदद होगी। इस मिस्टीरियस डिसऑर्डर के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसमें एक इंसान अपने अंदर कम से कम दो अलग शख्सियतों को दबा कर रख सकता है, कभी एक झलकती है कभी दूसरी। लेकिन वीर सिंह के केस में मुझे लगता है कि दूसरी शख्सियत पहली पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। वो तो होगी, वीर ने खुद खुली छूट दे रखी है। मिस्टर कुमार, अपनी राय देने से बेहतर यही होगा डॉक्टर नंदी को अपना काम करने दें, एक्सपर्ट वो हैं। डॉक्टर नंदी, ये जो नई पर्सनालिटी है, इसे खुद याद नहीं कि वो यहाँ कैसे आया आई। ड्रामेटिक मेमोरी गैप्स, सिलेक्टिव मेमोरी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के खास सिम्टम्स होते हैं, खास सिम्टम्स। इंटरेस्टिंग, यानी ऐसे हो सकता है कि दोनों पर्सनालिटीज को सिर्फ अपनी अपनी चीज़ें याद रहें, एक दूसरे की नहीं। यस, रिफर ऑनटे खड़े हुए। हमें पता करना होगा कि वीर को बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ हो। अपने डिफेंस में नई पर्सनालिटी अपनाने की प्रैक्टिस बचपन से शुरू होती है और बाद में यही मैकेनिज्म लौट आता है। इससे ये भी पता चलेगा कि वीर नाटक कर रहा है या जेन्युइनली एक मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। मैं डॉक्टर नंदी, आपकी मदद के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चारू है। चारू रहना। आपकी उम्र क्या होगी? 32 की हो गया। कहाँ के हैं? मैं कश्मीर से हूँ। माना मेरे पति और मेरे बच्चे के साथ। आपका पति का नाम क्या है? विनोद रैना। मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आती है। चारू जी, आप अपने पति और बच्चे के साथ क्यों नहीं रहते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा पता है। मुझे होश आया ना तो मैं अस्पताल में थी, तो फिर ये लोग मुझे जेल ले गए। विद्या माता कसम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम से बोल रही हूँ। इन लोगों का कहना है कि आपका नाम वीर सिंह है और आपके ऊपर दो बच्चों के खून और बलात्कार का इल्जाम है। मुझे घर जाना है, मेरे को थोड़ा अपना मेरे पति को फोन कर, वो पति को बता, वो लेके जाएंगे मुझे। मुझे नहीं रहना। मैं जरूर फोन करूंगा, लेकिन अगर आप बता सकते हो आपका पति को कांटेक्ट कैसे करें तो हम लोग फोन कर सकते हैं। 8452086095। आप फिर से कह सकते हैं? 8452086095।
को फोन करिए, वो आएंगे। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जी हेलो, मेरी बात मिस्टर विनोद रैना से हो रही है? मैं बात कर रहा हूँ, एक बार एक फोन उनको बोला, झुमरू कैसा पूछा। माफ कीजिए आपको इस तरह डिस्टर्ब किया, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, जज भूषण। आपकी बीवी का नाम चारू रैना है? मेरे से एक बार बात कर, वो झुमरू ठीक है? आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप लखनऊ आ सकते हैं? शादी हुई थी उसकी चारू से, कश्मीर से भाग गई, अब उसका चारू के साथ कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो नहीं आएगा। बट आई विल समन हिम। सर मेरे को नेल पॉलिश मिलेगा क्या? से गंदे हो गए। बलराम आज चाय नहीं। ठीक है सर। साहब, डॉक्टर ने कहा था स्टे हाइड्रेटेड, मैंने सिर्फ पानी पिया, पर आई थिंक आई एम टर्निंग वाटर इनटू वाइन इनसाइड मी। लुक एट योर फेस किशोर, मजाक था जज साहब, कम ऑन यू नीड टू लाइटन अप। I know this case is worrying you. लेकिन एक चीज कहूं कि तुम जो भी फैसला दोगे, तुम इस केस के जजमेंट से जाने जाओगे। कल रात सपने में देखा था तुम उन बच्चों को मारते हुए। मैं नहीं जानता कि सच क्या है, और ये भी नहीं जानता कि इस केस के मामले में जज फैसला क्या करेगा। बस इतना जानता हूं कि तुम टूट चुके हो, और इस बात को मैं समझता हूं, इसलिए अभी यह केस में तुम्हारे लिए लड़ूंगा। चारू, सुनिए, आप बहुत सुंदर हैं, पर अकेले हैं ना, मुझे माफ कीजिएगा सर, मैंने आने से मना किया, मुझे लगा कोई चाल है। ऐसे कैसे चारों की आत्मा किसी आदमी में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे सर मेरी दूसरी शादी हो चुकी है, मेरा एक दूसरा बच्चा भी है उसमें ये, हाँ। ये... आप रिलैक्स कीजिए, डॉक्टर नंदी यहाँ इस प्रॉब्लम को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। आप अपनी पहली बीवी की तस्वीर लाए,
ये लीजिए। चारू से आप पहली बार कैसे मिले थे? हमारी अरेंज मैरिज थी सर। मैं उस उम्र में 20 साल बड़ा था, मगर उसके खानदान की हालत खस्ता थी और मैं इसलिए माना क्योंकि वो सुंदर थी। आखिर कौन एक सुंदर लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा सर। शादी किस साल हुई? 2007 12 अप्रैल। मैं अपने साथ सर्टिफिकेट भी लेके आया हूँ। जरूरत नहीं। आपकी बेटे का जन्म कब हुआ? पहली तारीख दिसंबर की 2008। आप देख। नो नीड। कपिल राइट? उसका नाम किसने रखा? मेरी माँ ने। अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ बताएंगे? अच्छी नहीं थी वो, मेरे लिए ठीक नहीं थी सर। कश्मीर से कब भागी वो? आज से कुछ 10 साल पहले। मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी और मैं नो। आपने जो कुछ भी बताया है वही सब उस आदमी ने, उस औरत ने भी बताया, लेकिन कश्मीर छोड़ने के बारे में उसे कुछ याद नहीं। मुझे नहीं पता सर, मैं तो उसे किसी भी हाल में वापस नहीं ले सकता। मेरी दूसरी शादी हो चुकी है सर, मेरा दूसरा बच्चा है, मैं कैसे उसे वापस तो मैं नहीं ले सकता सर। हम अभी उसे यहाँ बुलाने वाले हैं, घबराइए मत, आइए। यहाँ बैठो, आराम से यहाँ बिठाइए। जी आप ठीक हैं? आंखों के नीचे कैसे काले गट्ठे हो रहे हैं? मैंने कहा था आप दूध पिया करिए ना रात में हल्दी डाल के। कैसी हो गई हूँ मैं? अभी बाल बढ़ जाएंगे तो ठीक लगेगा। झुमरू नहीं है? आप झुमरू को नहीं लाए? म्यूजिक एग्जाम। संगीत सीख रहा है? वो गाता है? तुमने उसको वो गाना सिखाया जो मैं गाती थी, वो जो आपको पसंद थी ना? बिल्कुल वो तो आपको पसंद। ये कहाँ चले गए? ये तो मुझे लेने आए थे ना। My God, fascinating. Fascinating? क्या fascinating? कोई picture चल रही है यहाँ पे? नहीं जज साहब, हम ठीक ठीक सवाल तो पूछ ही नहीं रहे। ये वीर सिंह ने चारू के ही character को क्यों चुना? कैसे जानता था उसे? जबकि आपकी ये चारू तो सर पीटने लगती है ना उसका नाम सुनते ही। इसकी investigation कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है जनाब, नार्को टेस्ट करते हैं और क्या। Sure, let's do it. लेकिन एक problem है, आपको मेरे client की मंजूरी चाहिए और वो यहाँ है नहीं। In case you haven't noticed yet. एक और तरीका है, hypnosis. Non-invasive but highly effective, especially suppressed memories को जगाने में। कोशिश करते हैं। नहीं घबराइए मत, ये तुम्हारी मदद के लिए। Relax, relax your body, relax your mind. कश्मीर की वादियों को याद करो, नीला आसमान, गीली घास, खुली हवा, झील। अच्छे ख्यालों को याद करो, रिलैक्स। मेरे साथ गिनो, 100, 0, 99, 0, 98, 0.
दिनों को याद करो जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी। बुढ़ा था वो, बेवकूफ गधा, नफरत करती थी मैं उसे, पर पति था वो मेरा। सोना तो उसी के साथ पड़ता था रातों में। प्रेग्नेंट हो गई मैं। प्रेग्नेंसी के दिन याद करो, बहुत उदास, एकदम अकेली थी मैं। चला यही मेरा जीवन है, 20 साल की थी, बस बीमार रहती थी पूरे समय, उदास, बीमार। कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी और के साथ चली जाए जिससे तुम्हें प्यार हो? बहुत अच्छा गाती है। थैंक यू। लड़की, गाना कौन गाएगा? अरे तुम गाती हो ना गाना, क्या हुआ आपसे? मतलब मैं तुम्हारे चक्कर में रेडियो लेके नहीं आता हूँ, तुम मुझसे तो मतलब है ना? बच्चा किसका उठा लाई? मेरा है। क्या झूठी, विद्या माता की कसम। मैं उस कंफर्म कर रहा था, मतलब ऐसा लगता नहीं ना तुम माँ हो। मतलब वैसे साला तुम्हारा पति बहुत लकी है। तो जाके उसको बता दूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं उसको पता है। अरे क्या 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 कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगे? बता देते ना उसको, वो घर पे नहीं है। मैं कल आता हूँ, कल गाना गाना वरना आ जाऊंगा। नाम? रंजीत। आपका नाम? चारू, चारू रहना। थैंक यू फॉर द कीज। चाबी गाड़ी में छोड़ने की कुछ तो सजा मिलेगी। आप हुकुम कीजिए। उसके साथ चलते चलते मैं बहुत दूर निकल आई थी, अब मैं वापस नहीं लौटना चाहती थी। ले चल मुझे उन बच्चों के लिए कुछ कर पाते। मुझे पता है उनका ठेला कहाँ लगता है, कुछ कपड़े
खाना तो दे ही सकते। अच्छा, मैंने उन्हें कपड़े, खाना सब कुछ दिया, पर मैं जानती थी रंजीत उनके लिए और भी कुछ करना चाहता था, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और उसके लिए नहीं। अरे मेरी अभी अभी यहाँ एक बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती हुई, वो ना मसूरी के एक बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल को सपोर्ट करता है, अच्छा आदमी है। अरे मैं चाहूँ तो बच्चों का दाखिला वहाँ करवा सकता हूँ। हाँ। नहीं, लेकिन उनके माँ बाप एक अजनबी आदमी पे क्यों भरोसा करेंगे ना। सही, पर मेरी बात तो मान जाएंगे ना। पक्का? हाँ। उनके माँ बाप को मनाना मुश्किल नहीं था। रंजीत ने कहा कि माँ बाप से सिर्फ मेरी बात होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मुझ पे ही भरोसा करते थे। उन्हें स्कूल का एड्रेस और फोन नंबर दिया और एक कॉपी अपने पास रख ली। फिर रंजीत तय जगह से उन्हें पिकअप करने गया। हम दोनों कितने खुश थे कि हम बच्चों के लिए कुछ कर पाए। शायद उनके माँ बाप पेट पालने के लिए किसी और शहर में चले गए। एक दिन मेरी पुरानी सहेली का फोन आया, मैं उससे मिलने शहर के दूसरे छोर पे गई। लौटते वक्त मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, उनमें से एक बच्चे को मैंने एक खिड़की में से झांकते हुए देखा। शायद उसने मुझे पहचान लिया था, शायद वो मुझसे पूछ रहा था, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। मैं गलत नहीं हो सकती, वो वही था। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद अपने हाथों से उसको वैन तक ड्रॉप किया है। सच में स्कूल का नंबर भी नहीं लग रहा है, हमें ना अभी जाके पुलिस स्टेशन में सब कुछ बता देना चाहिए। अरे सुन, ठीक है हम दोनों जाएंगे पुलिस, पर अगर हम गलत हुए तो। अरे वो आदमी तो भला काम कर रहा था ना, वो फंस जाएगा। एक बार मुझे पता करने दो, अगर कुछ भी गलत हो रहा है हम दोनों पुलिस में जाएंगे। मगर मुझसे रहने गया, मैंने स्कूल को चिट्ठी लिखी थी। तुमने कभी अपनी आंखें चेक करवाई? क्यों? करवा लो, क्योंकि मैं भी बच्चों से मिलके आया हूँ, एकदम खुश हैं वो तो। पागल, डरा ही दिया था एकदम। सॉरी। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया, पर रंजीत के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे प्यार करती थी। पुलिस ने उस बिजनेसमैन के घर पे छापा मारा और उसे उसके नौकर समेत गिरफ्तार कर लिया। और कितना बेवकूफ बनाओगे रंजीत? मैं अभी पुलिस के पास जाके सब कुछ बता रही हूँ कि मैंने बच्चों को तुम्हारे हवाले किया था। मेरा नाम वीर सिंह, रंजीत नहीं है। मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करता हूँ, क्या मैं तुमको बता सकता था? और तुम्हारे कारण वो बिजनेसमैन मेरे हाथ से छूट गया। मैं, और अगर तुम सबको सब कुछ नहीं बताती ना, तो हम उन दो बच्चों के साथ साथ बाकी जाने कितने बच्चों को बचा लेते। मैं फेल हो गया। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ बोला है क्या? तुम कैसे इंसान हो और तुम हो कौन?
मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता नहीं पाया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हारे अलावा मेरा कोई है नहीं। ले चल मुझे दूर तू कहीं, आँखें जहाँ। फिर उसने मुझे बहुत प्यार से गले लगाया, मेरी गर्दन मरोड़ दी। तुम्हारे क्रोमैन द लॉमैन के जस्टिस को ना मानना पड़ेगा, ध्रुव को फैंसी ड्रेस में जिता दिया। काश तुम्हारे पापा सचमुच के क्रोमैन द लॉमैन होते। और किसने कहा नहीं है? हमारे लिए ना तुम ही हमारे सुपर हीरो और हमेशा रहोगे। Kevin. Yes, sir. This way. Thank you. Thank you. Do you pray? Yes, sir. Can you say a prayer for me? Sir, I only know church prayers. I'm sure God understands all prayers. Just say one. Our Father, who art in heaven. Holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. सरकार पधार रहे हैं। ये केस आज बड़े अजीब मोड़ पे आके रुक गया है, क्योंकि अब दलीलें मुलजिम को गुनहगार या बेगुनाह साबित करने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए पेश की जाएंगी कि वाकई ये केस अब लड़ने योग्य भी है या नहीं। दलीलें अक्सर हवा का रुख देखकर अपनी राह बदल लेती हैं, पर हमें अपने मकसद से ना भटकना है ना बहकना है, और वो मकसद है न्याय।
justice. Please proceed with the closing statements, prosecution. जनाब डिफेंस ने मिस ट्रायल की मांग की है, पर यह अन्याय होगा उन सभी लोगों पर जो इस कोर्ट में न्याय की अपेक्षा से बैठे, जस्टिस की अपेक्षा से बैठे, और उन बच्चों पर भी जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है जनाब, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो सब कुछ प्रूव कर चुका है. क्राइम मुलजिम की प्रॉपर्टी पर हुआ, मुलजिम के डीएनए दोनों बच्चों के ऊपर पाए गए, और मुलजिम का ब्लड डीएनए जनाब मरे हुए बच्चे के मुंह में पाया गया. और फिर भी ये कोर्ट उसे वो सजा नहीं सुना रहा जो उसे सुनानी चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये भद्दा ट्विस्ट आ गया है इस केस में. जनाब डिफेंस ये चाहता है कि हम चुपचाप ये मान लें कि मुलजिम का ये नाटक सच है, पर ये नामुमकिन है जनाब. मुलजिम ने तो खुद कहा कि जिस औरत का नकाब ये ओढ़ के बैठे हैं, ये औरत उनकी प्रेमिका थी कश्मीर में 10 साल पहले. तो मुलजिम के लिए उनके हाव भाव को अपनाना कोई बड़ी बात नहीं है जनाब. मुलजिम एक ट्रेन जासूस है, और जो लोग ये बात मान चुके हैं कि अब ये चारू हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्यों क्यों जनाब आईने में यही चारू इस वीर को नहीं पहचानती? क्यों भाई क्यों? ये वीर तो इनके प्रेमी थे ना, क्योंकि जनाब वीर ये नहीं चाहते, क्योंकि इस कहानी के राइटर भी ये हैं, हीरो भी ये, हीरोइन भी ये. विलन कहना ज्यादा सही होगा नहीं? और जनाब वो हिप्नोसिस में ये चारू कहती हैं कि वीर ने इन्हें गला दबाकर मार डाला देश की सेवा में. तो एक ही तीर से ये मरने वाले भी हो गए, मारने वाले भी. जनाब ये सिर्फ केस को उलझाने की चाल है. प्रोसिक्यूशन का यह मानना है कि हमारे बीच जो ये शख्स बैठा है ना, ये एक निहायत ही चालाक और बेरहम इंसान है. डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का सिर्फ ये ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है जनाब. और ये कितना बड़ा अपमान है उन सब के लिए जो सचमुच इस कंडीशन का शिकार है और फिर भी समाज में अपना योगदान दे रहे हैं जनाब. जनाब प्रोसिक्यूशन की यह मांग है कि आप यह ट्रायल कंटिन्यू कीजिए और मुलजिम वीर सिंह को दो बच्चों के रेप और कोल्ड ब्लडेड मर्डर की कड़ी से कड़ी सजा दीजिए. ये सिर्फ फांसी के हकदार हैं ऑनर. दैट्स ऑल जनाब. डिफेंस, योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन सब कुछ साबित करने का दावा कर रहे हैं, जबकि डिफेंस ये प्रूव कर चुका है कि इनके दावे सिर्फ दावे थे. बट मोर इंपॉर्टेंटली द केस, वीर सिंह जिसने हमेशा कानून पर भरोसा किया था, उसने ऐसे कभी नहीं कहा कि ये क्राइम्स उनके अंदर बसे किसी और शख्स ने किया था, कभी नहीं. और अब प्रोसिक्यूशन का मानना है कि वीर नाटक कर रहा है. कैसा नाटक? क्यों वीर ऐसा क्यों करेगा? क्यों चारू के खून के इल्जाम को खुद के सर पर लेगा? इसके दो ही जवाब हो सकते हैं. एक कि वीर बिल्कुल बेवकूफ है, जो कि वो है नहीं, और प्रोसिक्यूशन इस बात को अच्छी तरीके से साबित कर चुकी है. या फिर सच में वीर को डीआईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, जहां इंसान का दिमाग अपनी डिफेंस में स्प्लिट होकर एक पर्सनालिटी को चुप कराता है और एक दूसरी पर्सनालिटी को जगाता है. डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे पेशेंट्स में 2 से लेकर 200 अलग पर्सनालिटीज हो सकते हैं. इनफैक्ट कोर्ट के अपॉइंटेड डॉक्टर डॉक्टर नंदी, उनका मानना है कि अगर बचपन में कोई सदमा हो तो उससे कोप करने के लिए बच्चे, और खास करके बच्चे,
डीआईडी मैकेनिज्म्स डेवलप करने लगते हैं और जब हमने वीर के केस को और बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया हमने ये जाना कि वीर को अपना पहला सदमा 3 साल की कच्ची उम्र में लगा था जब उसने अपने माँ को खो दिया। डॉक्टर नंदी का कहना है कि शायद वीर उस चीज को लेकर अपने आप को दोषी मानता हो। उसे दूसरा सदमा तब लगा कश्मीर में जहां अपनी ड्यूटी के लिए एंड आई वुड लाइक टू रिपीट दैट अपनी ड्यूटी के लिए उसे चारू की जान लेनी पड़ी। योर ऑनर आज जो चारू हम सब के बीच मौजूद है प्रोसिक्यूशन अब उन पर शक कर रहा है ये कहकर कि इसने आईने में वीर को कैसे नहीं पहचाना जबकि वो भूल रहे हैं कि जब तक हम चारू को हिप्नोसिस सेशंस में नहीं ले गए तब तक चारू को खुद नहीं पता था कि उनका कोई प्रेमी था। फिर भी कोर्ट की तसल्ली के लिए और प्रोसिक्यूशन के डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आईने में चारू ने वीर को क्यों नहीं पहचाना। वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर नंदी के मुताबिक यह हमारे दिमाग की फितरत है जिन चीजों से ट्रॉमा हो दिमाग खुद ब खुद उन्हें भुलाने की कोशिश करता है या कहीं ना कहीं दबा देता है और उसे मेडिकल टर्म्स में सप्रेस्ड मेमोरीज कहते हैं। इस वजह से चारू वीर को भूल चुकी थी लेकिन गजब की बात तो यह है योर ऑनर कि वीर चारू को नहीं भूला था। इसीलिए जब गहरे सदमे की उस नाजुक स्टेट में जब वीर पर खून के झूठे इल्जाम लगे जब उसे सरेआम जलील किया गया जब जेल के गुंडों ने उसे मारा पीटा उसका रेप किया his mind snapped. और अपनी बचाव में उसने एक ऐसी पर्सनालिटी में पना ली जो उसे सबसे सेफ लगी। चारू रैना शायद उसके दिमाग को लगा हो कि चारू ही उसकी रक्षा कर सकती है या फिर यह भी हो सकता है कि चारू की जान लेने के बाद वीर कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाया तो उसने अपने अंदर चारू को एक नया जन्म दिया। अब इस लिहाज से तो प्रोसिक्यूशन को बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि वो वीर की फांसी की मांग कर रहे हैं एंड वीर इज नो मोर दिस केस किल्ड वीर वीर मर चुका है तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं या किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट दिस कोर्ट टू डिक्लेयर दिस ट्रायल अ मिसट्रायल। वी विल टेक अ शॉर्ट रिसेस ठीक 1 घंटे बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तुम्हें सिर्फ अपने मुलजिम को उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे तुमने अपने एक्स अल्कोहलिक वाइफ को किया था। ना शक किया ना भरोसा। आज इस केस की वजह से पहली बार मुझे ऐसी नैतिक ऐसी कानूनी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रोसिक्यूशन डिफेंस दोनों ने काफी मजबूती के साथ इस कोर्ट के सामने अपना अपना पक्ष रखा है पर इस केस ने आज हमारे सामने एक बहुत ही गहरा बहुत अहम सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर गुनहगार कौन है दिमाग या शरीर?
क्योंकि शरीर तो बस एक यंत्र है, एक औजार है। उसे चलाने वाला दिमाग होता है। शरीर हमेशा दिमाग की ही सुनता है। शरीर वही करता है जो दिमाग उससे करवाता है। इसलिए हम महज शरीर को गुनहगार या दोषी नहीं ठहरा सकते। इस केस में जिस शरीर से शायद यह गुनाह हुआ है, वो शरीर आज हमारे सामने इस कोर्ट में मौजूद है, लेकिन जिस दिमाग पे ये घिनौने इल्जाम लगाए गए हैं, वो दिमाग लापता है। इसलिए दोनों पक्षों के प्रति इस कोर्ट की जिम्मेदारियों को समझते हुए मैं आज इस केस को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूं। I hereby adjourn this case indefinitely. Silence, please. और साथ साथ मैं ये भी हुक्म देता हूं कि वीर सिंह का इलाज किसी सरकारी मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में किया जाए और उन पर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस भी रखा जाए, और इस दौरान अगर वीर सिंह का असली व्यक्तित्व एक पल के लिए भी लौट आता है तो उसी पल, उसी क्षण, उसी वक्त उन पर श्याम और श्यामला यादव के खून और बलात्कार के इल्जाम लगा दिए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो आज तक के इस केस के सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह ट्रायल दोबारा शुरू होगा। फिर चाहे इस कोर्ट में यह शरीर चारू बनकर आए या फिर कोई और। हर किसी को इस गैर मामूली फैसले को समझने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन जैसे जैसे समझते गए सब ने जज भूषण की बुद्धिमत्ता की तारीफ ही की है। उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए इस केस को अंजाम ना देते हुए भी अंजाम दे दिया। अगर आरोपी मानसिक रोग का शिकार है तो उसे इलाज के बाद फेयर ट्रायल जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आरोपी कोर्ट को गुमराह कर रहा है झूठा नकाब ओढ़कर, तो उसे जीवन भर उस झूठे नकाब की कैद में रहना पड़ेगा और वही झूठा नकाब उसकी पहचान बनकर रह जाएगा। कैमरामैन महेश के साथ मैं निखिल तिवारी, न्यूज यूनिवर्सल। शाख से गिरे हैं यूं बादलों पे गुस्ताख मौसम, चले हैं झील की चादरों पे गुस्ताख मौसम, ले चल मुझे दूर तू कहीं, आँखें जहां शबनमी कालीनों पे गुस्ताख मौसम, खो रहे हैं गूंज से पर्वतों में गुस्ताख मौसम। सपने का
खिल रहे हैं गुल कई हसरतों के गुस्ताख मौसम उड़ चले हैं क्यों परे सरहदों के गुस्ताख मौसम हाथ थामे मन चले रास्तो